वाओ गाइस, कितना अच्छा बुद्धा की ये मूर्ति है बनी हुई, और बहुत बड़ी मूर्ति है, देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये मूर्ति। वाओ अमेजिंग गाइस। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज की जो हमारी जर्नी है वो होगी काजा के आसपास की जगहों को देखने के लिए। तो अभी हम चलते हैं पेट्रोल पंप और करवाते हैं अपनी बाइक को फुल। और आज की जो हमारी डेस्टिनेशंस होने वाली हैं वो हैं लांगसा, कॉमिक, हिक्किम और की मनेस्ट्री, जो कि आज हम कवर करेंगे। और आपको मैं वहीं पे जाके उन जगहों के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को, और चलते हैं हम सीधा अब लांजा के लिए। तो सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे ये रास्ता मिलता है। अगर आपको राइट साइड मेरे रास्ता दिखाई देगा तो मैं यहां से वापस आऊंगा। अभी चलते हैं हम सीधा लांजा विलेज के लिए। तो सो गाइस, देखिए सामने मेरे को एक बड़ी अमेजिंग सी चीज नजर आई है, जिसे हम कहते हैं हिमालयन गोट्स। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और ये भागेंगी तो आपको थोड़ा दिखाई देगा। तो ये देखिए गाइज, ये हैं हिमालयन गोट, जो कि बड़ी किस्मत वालों को ही यहाँ पे दिखाई देती हैं। सो गाइज, देखिए ये रास्ता कितना अमेजिंग लग रहा है। ये जो रास्ता है दो पहाड़ों के बीच में से होकर जा रहा है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी, तब भी ये जगह इतनी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है इस जगह का। देखिए दो पहाड़ों के बीच में से रास्ते को काट के बनाया है, और ये रास्ता सीधा जा रहा है लांगजा विलेज के लिए। अमेजिंग गाइस, बने रहिए, मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे सीनिक ब्यूटीज आपको दिखाता रहूँगा। और आप मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरे इस रोड ट्रिप को टू लांगजा विलेज। तो सो गाइस, ये है पूरी की पूरी रेंज लांगजा विलेज की। अगर आप यहाँ से वो सामने बिल्कुल एक छोटा सा आपको दिखाई देगा गोप्रो से, वो है बुद्धा, जो कि हम अभी आपको ऊपर जाके नज़दीक से भी दिखाएंगे। उसके साथ ही है लांगजा विलेज, और इस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी। और पूरा का पूरा जो रूट है वो आपका यहाँ ये से आके और इधर आके इधर आ जाता है। और सामने अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी फील्ड है, और जो लोगों की लोकल गोट्स हैं वो भी यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही हैं। इधर भी एक छोटा सा गांव है और इधर भी एक छोटा सा गांव है। तो बाकी का मैं आपको नज़दीक से ऊपर जाके दिखाता हूँ। ओ सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लांगजा विलेज। ये जगह बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे जब आया था तो अपने बॉम्बे के ग्रुप के साथ आया था, बुल राइडर्स के साथ। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे मैंने अपनी डुक डुक की एक फ़ोटो खींची थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है फ़ोटो यहाँ की। और सीरियसली यादें ताज़ा हो गई हैं। यहाँ से हमें दिखाई देगी वो सामने बुद्धा की मूर्ति। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ, और इन्जॉय करते हैं आज हम लांगजा विलेज का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लांगजा विलेज। और लांगजा विलेज का जो एलिवेशन है वो है 4400 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। आपको अगर मेरे पीछे दिखाई देगा
तो आपको बुद्धा की फ़ोटो दिखाई देगी। लांगजा विलेज काफ़ी फेमस है बुद्धा मोनेस्ट्री के लिए, क्योंकि जो ये बुद्धा है, बुद्धा सामने वैली को देख रहा है और लोगों का मानना है कि वो उनकी रक्षा करता है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देगा लांगजा विलेज। इस विलेज की पॉपुलेशन कोई अराउंड अबाउट 135 पीपल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, वन इज़ योर लोअर लांगजा एंड वन इज़ योर अपर लांगजा। दिस इज़ द बुद्धा सिटिंग एंड वॉचिंग वैली सामने। तो गाइज, ये है हमारा लांगजा का ब्लॉक, और मैं हूँ आपका दोस्त प्रणव, और मेरे YouTube चैनल का नाम है प्रणव राइडर 49। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम अभी इसके बाद इक्की मार कॉमिक जाके भी आपको दिखाएंगे।